استاد تمہارا گشتہ گا کہ ادا چھ ما کامیاب دی در کائیں بلے ما ما پھستا گی ما پھستا گی ما चैनल गुरुकुल आईएएस। आज की न्यूज पाकिस्तान से आ रही है। उनके सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयरबेस पीएनएस सिद्दीकी हैज बीन अटैक, जिसकी फुटेज हमने अभी देखी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रीसेंट पास में कितने अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, ये अटैक कौन कर रहा है, ये अटैक क्यों हो रहे हैं, इन अटैक से चाइना का कोई लेना देना है, और ये अटैक्स रीजन की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इससे आपका कुछ नहीं जाता है, बट हमें मोटिवेशन मिलती है टू कीप वर्किंग टायरलेसली। तो फिर से शुरू करते हैं सवालों से। पहला सवाल, ये अटैक कब और कहां हुआ? पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस पीएनएस सिद्दीकी पर मंगलवार को कई विस्फोट और गोलीबारी हुई। हमले का प्रयास एयरपोर्ट बाउंड्री के तीन ओर से किया गया था। दूसरा सवाल, इस अटैक के रिस्पांस में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? पाकिस्तानी नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी छह हमलावर हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश के बाद मारे गए। एक मिलिट्री स्टेटमेंट में कहा गया कि पैरामिलिट्री फोर्स का एक जवान भी मारा गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऑफिस ने यह स्टेटमेंट रिलीज की, वी एस्केप्ड अ ह्यूज लॉस। इससे हम अटैक की गंभीरता को समझ सकते हैं। तीसरा सवाल, ये अटैक किसने करवाए, या कह लें किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसकी? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तुर्बत में पाकिस्तानी नौसेना एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। चौथा सवाल, इस अटैक का क्या कारण है? बलूचिस्तान के रिसोर्सेस पर बढ़ते चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के विरोध का हवाला देते हुए बीएलए का दावा है कि उसके सदस्यों ने एयरबेस में अटैक किया जहां पे चाइना के ड्रोन स्टेशन थे। बलूचिस्तान अपने रिसोर्सेस को खुद यूज करना चाहता है और वो चाइना की डेट पॉलिसी में नहीं फंसना चाहता। पांचवा सवाल, अब आगे क्या और क्या अटैक लगातार हो रहे हैं? घटना के मद्देनजर केच के जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें सभी डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है, और ये अटैक्स लगातार हो रहे हैं। ये बीएलए के मजीद ब्रिगेड द्वारा इस वीक का दूसरा और इस वर्ष का तीसरा हमला है। इससे पहले बीएलए मजीद ब्रिगेड ने 29 जनवरी को मच शहर और 20 मार्च को ग्वादर में सैन्य खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया था। ग्वादर घटना के दौरान पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में विस्फोटों और गोलीबारी के कारण हुई झड़प में 2 पाकिस्तानी सैनिकों और 8 आतंकवादियों की जान चली गई थी। हाल ही में तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा नवंबर 2022 में सरकार के साथ अपने सीज फायर को टर्मिनेट करने के बाद पाकिस्तान में विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। सिक्स क्वेश्चन, ये ग्वादर पोर्ट क्या है? ग्वादर पोर्ट एक डीप सी पोर्ट है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। ये लोकेटेड है अरेबियन सी में एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ एंड आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये पोर्ट एक शॉर्ट राउट देता है चाइना को अफ्रीका से कनेक्ट करने के लिए। ये एक मेजर इंफ्रा एंड एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ने $62 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग, और ये हमारे काराकोरम रीजन से पास होता है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस बीएलए मजीद ब्रिगेड? 2011 में स्थापित बीएलए की मजीद ब्रिगेड एक अत्यधिक प्रभावी गुरिल्ला इकाई है जो सुरक्षा बलों और चीनी हितों को निशाना बनाने के लिए जानी जाती है। यह समूह कथित तौर पर पाक ईरान सीमा पर ऑपरेट करता है। बीएलए के आत्मघाती दस्ते के रूप में देखी जाने वाली ब्रिगेड अप्रैल 2022 में कराची विश्वविद्यालय के
कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास हुए आत्मघाती हमले के पीछे भी थी? 8th क्वेश्चन, व्हाई दिस अटैक मैटर्स? ये हमला की इंस्टॉलेशन में एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है जो चल रही विद्रोही गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। ऐसे इंसिडेंट्स रीजन की सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं और उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को भी। पाकिस्तान में आज चाइना की भी मिलिट्री प्रेजेंस इन सब के कारण बढ़ गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज PICSS की रिपोर्ट के अनुसार फेब में पाकिस्तान में 97 आतंकवादी घटनाएं हुई जिनमें 87 मौतें और 118 घायल हुए। 9th क्वेश्चन, ये इतने सारे अटैक्स क्यों हो रहे हैं बलोच रीजन में? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज PICSS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एम्फसाइज करती है दैट इन बलूचिस्तान देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन वायलेंट इंसिडेंट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अ रिडक्शन इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड द बॉर्डर ऑफ KP रीजन। सो बेसिकली इंक्रीज इन वायलेंस इन बलूचिस्तान इज लिंक्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BRAS, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस को टारगेट कर रही और पब्लिक पार्टिसिपेशन को डिस्करेज। तो अब सवाल यह है पाकिस्तान के लिए कि क्या इस घटना के बाद बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में प्रमुख प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाने की संभावना है? यह पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी को भी प्रभावित कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज मेनली जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस रीजन में वो बहुत ही चिंतित हैं और अब इन सभी इंसिडेंट्स के बाद कंट्रीज कम ही इन्वेस्ट करना चाहेंगी पाकिस्तान में, जिसकी इकोनॉमी आपको पता ही है कितनी बूम कर रही है। मतलब हर जगह लोन के लिए कटोरा ले जाना पड़ता है उनके PM को और ये उनका ही कथन है। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं इन अटैक का इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। Till then, stay tuned to your channel, Gurukul IAS. Please like, share and subscribe to your channel. Thank you. Jai Hind, God bless and bless you.